इससे पहले तो हम जो है असद से कुछ ऐसा सुन रहे थे कि उसके बाद मेरे माइंड में इतने सारे सवाल असद से पूछने के लिए आ चुके हैं जो मैं पूछना चाहूंगी। असद, आप सीरियसली आप 9th क्लास से हैं, आपने सीखा है इसको? मैंने सीखा नहीं है। आपने क्लासिकल नहीं सीखा? तो आप इतना शौक था बस लिसनिंग, मेरी कैसे गा रहे हैं? बस लिसनिंग मैं करता था अल्लाह की तरफ से। लिसनिंग बहुत ज़रूरी होती है हर म्यूजिशियन के लिए, कि लिसनिंग इज द बेसिक पार्ट। मैंने जितनी वर्कशॉप्स ली, जो कुछ भी मैंने अटेंड किया, सबने कहा लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको तो पता चल गया मुझे, आपके क्लासिकल आपका जॉनर यही है। मुझे एक बात अहमद आपसे पूछनी है, आप क्योंकि जो है बैंड्स के सॉन्ग गा रहे हैं, रॉक गा रहे हैं, तो पुराने जैसे अभी हमारे पास लेटेस्ट काफ़ी सारे सॉन्ग्स आए, लेकिन अगर हम ओल्ड सॉन्ग्स की बात करें तो क्या लगते हैं मेलोडी और जो बाकी सारी जो होती है फील होती है एक सुकून मिलने वाली बात, वो आपको क्या लगता है कि न्यू जनरेशन के सॉन्ग्स में या जो आजकल के जो सॉन्ग्स हैं वो मोस्टली जो है वो ईडियम्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक चल रहा है आजकल, जो अब इसी का ज़माना है। जो पहले था, पहले जो है बकायदा रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गाना है जिसको बहुत सूदिंग गाना है, लाइक लाइव जैम ना, लाइव बाबा उस एक साथ सब मिल बांट कर बैठ कर एक चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, फिर वो इम्प्रोवाइज होती जाती है, वो अच्छी होती जाती है, तो वो एक फील उसकी ओरिजिनलिटी फील होती है। लाइक स्टूडियोज में भी ऐसा चाहिए, फिर लाइव जैम स्टार्ट होने लगे कि अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करना है, लाइव जैम करना है। अगर मैं ये पूछूँ आपसे, आप यह कि आपको अगर चूज करना पड़े अपना म्यूजिक और पढ़ाई पढ़ाई नहीं, मतलब अगर आप उस करियर को लेना चाह रहे हो कि आप म्यूजिक को भी आप प्रोफेशनली ले लें और अपना जो भी आपका करियर है उसको भी लें, तो दोनों चीज़ें आप साथ चला पाएंगे? मैं कोशिश मैं कोशिश ज़रूर करूँगी चलाने की, क्योंकि वही बात है कि म्यूज़िक मुझे लगता है कि आपकी सोल की भूख को मिटाता है, और लेकिन हमारे यहाँ का म्यूज़िक का थोड़ा सा ये इशू है बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग अभी तक, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को भी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें म्यूज़िक के थ्रू। म्यूज़िक तो रहना ही है, कुछ और रहे ना रहे, हाँ वो तो है, बट हाँ कैसे रिलेट करते होंगे म्यूजिक, क्या करते हैं आपके लिए? म्यूजिक में ये है कि अब जैसे पढ़ाई है वो बहुत ज़रूरी है, फाइट जब हो रही होती है ना मार्केट में जाके तो उसमें आप लड़ सकते हो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो गए तो आप लड़ नहीं सकते, बिल्कुल ये चीज़ होती है। क्या नाम है, एक बार आप तीनों से एक साथ पूछो, आप लोगों को पता है एक रैपिड फायर राउंड होता है हमारे पास जिसमें हम चेक करते हैं कि आपकी जो म्यूजिक की जो हिस्ट्री है आपकी नॉलेज क्या है, हम जीतेंगे क्या किसी को भी नहीं पता है ना जीते, मोस्टली तो मुझे ही होती है। तो आपने पीली कॉफी आप देखते ना, अगर आप लोग जीत गए तो आपको मिलेगी, 5 सेकंड का टाइम होगा सोचने का। अच्छा आपसे स्टार्ट करते हैं, जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया, सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए, दिल तो सारे परेशान हैं। Very good. तो अब अहमद की बारी है, अहमद आप गाएंगे ये से। 1, 2, 3, 4 and 5 ओ आप ये नहीं ये से सोचने के लिए टाइम मिल गया ना, आप मुझे अब भी नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब आप ये से ही गाएं। ओके 1, 2, 3, 4, 5 ये से गाना बहुत एक पॉइंट हमारे पास पहले राउंड में तो हो गया है असद का, तो अब वापसी से हम आते हैं असद की तरफ। असद आप गाए हैं फेस 1, 2, 3, 4, 5 और पास हो गया है। फर्स्ट राउंड में तो हमारे पास एक ही पॉइंट आया जो कि है असद का, अब सेकंड राउंड में देखते हैं। अब सेकंड राउंड में क्या करेंगे कि जिसको भी आता होगा वो गा लेगा, ठीक है? तो हम गाएंगे अलिफ से। से उसको
आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा. तो आप अवार्ड देते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सॉन्ग इतने हैं. द प्रॉब्लम इज दैट बचपन से हमने इतना ज्यादा इंडियन म्यूजिक सुना होता है कि हम नहीं कर पाते ऑब्वियसली. बट नाउ आई लाइक दिस. हां, और मेरी कॉफी का सवाल है तो मैं हमेशा इसको टफ रखना चाहूंगी. तो ये से गाइए. ये 1 2 3 बहुत इजी वर्ड है. 4 ये जो हल्का हल्का सुन रहे हैं. हाँ, ये जो हल्का हल्का इसने बोला. यू शुड सिंग. ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया के शराब पीना सिखा दिया. तो अब हमारे पास बहुत अच्छा गाया है. अब हमारे पास दो वर्ड्स बाकी हैं. दो पॉइंट्स हो चुके हैं. ठीक है, असद के एक पॉइंट हो गया. ठीक है, लेट्स सी कि हमारे पास बाकी के दो पॉइंट्स कौन लेता है. तो अब आप लोग गाइए. इजी से वर्ड दे दूं? हाँ प्लीज. इजी वर्ड क्या होता है? अलिफ होता है ना. लेट्स सी अलिफ. अच्छा, आज दिल दुखा है. याद जाने लोग अपने कहाँ ढूंढ पाए जागे सो नहीं कैसी है मेरी ये बेचैनी दिन भी वही रात वही सांसों में सांसें Finally something. I'll try. Tie tie हो गया. I'm still not gonna win. अच्छा, आप क्या गाओ बताओ. I'll try. I can only try. अच्छा, अब जो जिसने guess कर लिया वो उसके थ्री हम दोनों में से तो तीन तीन. हाँ, you gonna win obviously. तो अब आप लोग आइए मीम से. मीम से मेरा प्यार तुम ही हो तुम ही तो हो जाना मेरे साथ तुम ही हो तुम ही तो हो. एग्जैक्टली. आई हैड फॉरगॉटन. यार अहमद के लिए चाहिए लेकिन अहमद He wins, we all win, I think. शो के बाद अहमद यूं कॉफी पकड़ के कॉफी पी रहे हैं और हम तीनों देख रहे होंगे. मोस्टली ऐसा होता है. मैं पी रही हूँ. अहमद की सॉन्ग मेमोरी बहुत 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 अच्छी है. लाइक सोचने का टाइम नहीं लेते ही है. तो अब मैं चाह रही हूँ कि सुन लिया है तीन बार अहमद से दो बार से. तो अब आप और आप डुएट सुन लेते ना इनका. देखते हैं कोऑर्डिनेशन कैसी है. क्लासिकल क्लासिकल साथ में सुना है. फरीदा खानम का है आज जाने की जिद ना करो. ओह वाओ, ये आप क्लास से स्टार्ट करेंगे. हाय मर जाएंगे. अच्छा, ओके ठीक है. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो. कितना मासूम रंगीन है ये समा इश्क और हुस्न की आज मेराज है कल की किस को खबर जाने जान बात इतनी मेरी मान लो.
होगी क्यों कर रहे होगी आई सेड आप या यू नेल इट बहुत अहमद फिर से होनी चाहिए ना क्या दिल खुश हो गया दोनों का गाना सुन के दिल नहीं चाह रहा कि हम ब्रेक पे जाएं तो हम नहीं जाएंगे ब्रेक पे हम अहमद से भी सुनेंगे अहमद क्या सुनेंगे मैं अभी जो गाया है आतिफ असलम का जो था यकीन तुम याद आए अनजाने लोग हैं अपने कहाँ ढूंढ पाए जागे हैं सो देखिए स्कूल लाइफ की एक अपनी अलग बात होती है क्योंकि बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात सारी है कि स्कूल लाइफ के जो आपके दोस्त होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं ये बात हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं और ये बात देखी भी है कि भले ही स्कूल लाइफ हाँ स्कूल लाइफ अच्छा मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है यूनिवर्सिटी लाइफ में आप एक्सप्लोर हो जाते हो कॉलेज लाइफ बाकी में पॉलिश हो जाते हो जैसे जैसे एक डायमंड को जितना रगड़ता है उसकी शाइन जितनी बढ़ती है ना इस तरह यूनिवर्सिटी लाइफ होती है ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है स्कूल उसके बाद फिर कॉलेज में आप उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके और फिर उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ में आ जाओ लाइक वॉइस यूनिवर्सिटी भी हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि हम थोड़ा बहुत जो है हम सिर्फ गा रहे होते जैमिंग्स कर रहे होते लेकिन प्रोफेशनली एक चीज़ को लेकर आना इस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब करने क्योंकि मैं भी जानती हूँ ये दोनों से पहले कभी नहीं मिले ये दोनों से पहले कभी नहीं मिले और आज साल एक शो में बैठ कर दो यूनिवर्सिटीज़ इतना अच्छा शो कर रही हैं तो इन सब के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म हम बहुत थैंकफुल हैं वॉइस न्यूज़ टी वी के स्टूडियो टी के हम इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम साथ मिलकर म्यूजिक करते हैं टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में लेकिन जगह ही नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हमारे यूनिटी नहीं होती म्यूजिक यूनाइट्स यू मतलब आपको एक जगह लेकर आ जाता है उसमें फिर आपकी सरहदें भी मिट जाती हैं आपका कास्ट भी मिट जाती है आपकी एथनिसिटी भी मिट जाती है सो दैट इज ग्रेट म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसे कहते हैं बिल्कुल आप लैंग्वेज ना जानते हो जैसे लास्ट शो में जो है एक सॉन्ग उन्होंने गाया था वो लैंग्वेज हम नहीं जानते थे लेकिन वो सॉन्ग सुन के फील थोड़ी आपको इमोशनल सैड आ रही थी तो हम उसे जज कर पा रहे थे तो अब जो है हम चलते हैं ब्रेक पर क्योंकि अभी ना जाओ उन्होंने ऐसा खा रखा मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था ब्रेक पे चले तो चलते हैं छोटे से ब्रेक पर